हत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में डीआईजी की 36 वर्षीय पत्नी पुष्पा प्रकाश ने सुबह करीब 11 बजे के आसपास फांसी लगा ली। आनंद फानन में कुछ लोगों की मदद से उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुष्पा प्रकाश ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ना ही मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है।